द कंजूरिंग और एनाबेला जैसी मूवी आपने देखी होगी। इन मूवी में बात की गई है एक डॉल की, जो डॉल स्थापित है जिसका नाम एनाबेला है। दरअसल ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बच्चे और डॉल्स के बीच एक गहरा रिलेशन होता है, जहां गुड़िया हो वहां बच्चे जाएंगे ही। लेकिन इस डॉल की, इस गुड़िया की कहानी ही अलग है। इसे देख के बड़े बड़े कांप उठते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एनाबेला की पूरी सच्चाई और उसकी पूरी जानकारी के बारे में। तो बने रहो वीडियो में आखिरी तक। फिल्म में आपको एनाबेला ऐसी दिखाई गई थी, लेकिन असल में एनाबेला ऐसी दिखती है। 1970 की ये घटना, जिसमें एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी मोम ने एक डॉल गिफ्ट की थी, क्योंकि डोना को बचपन से ही डॉल के साथ खेलना, उन्हें अपने पास रखना बहुत पसंद था। डोना कॉलेज में थी तब भी उसे ये सब अच्छा लगता था। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था एंजी। एंजी और डोना एक अपार्टमेंट में रहते थे। डोना की मोम ने जो डॉल दी थी, उसे दोनों ने खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। डोना और एंजी उस डॉल को रख के बाहर गए और जब वापस आए तो उस डॉल की जगह बदल गई थी। जहां रख के डोना उसे गई थी, वहां से वो दूसरी जगह चली गई थी। और हर बार ऐसा ही होने लगा। बाहर से घर आने के बाद डोना और एंजी उस डॉल की जगह बदलती हुई पाती। डॉल को रख के एंजी और डोना कॉलेज जाने लगे। वापस आते वक्त डॉल दूसरे कमरे में सोफा पे, पलंग पे या फिर नीचे पड़ी हुई मिलती। लेकिन एक दिन दोनों कॉलेज से वापस आए और उन्होंने देखा कि डॉल वहीं थी जहां उन्होंने डॉल को रखा था। वहां पे एक पेपर मिला जिस पे लिखा था, हेल्प अस, हेल्प अस। डोना को थोड़ा अजीब लगा। डोना ने उस डॉल को अच्छी तरह से चेक किया। उसने देखा कि डॉल के चेहरे पे खून लगा हुआ था और ये देख के दोनों लड़कियां बहुत ही डर गई। उसके बाद दोनों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को घर बुलाया। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि उस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेला हिगन्स है। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की और उस दौरान पता चला कि एनाबेला उसी जगह पे रहती थी जहाँ ये अपार्टमेंट है और जहाँ ये दोनों लड़कियाँ रहती थी। और एनाबेला ने बताया कि उसकी मौत तब हुई थी जब वो 7 साल की थी। एनाबेला ने इन्वेस्टिगेटर से बात करते हुए कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। और एनाबेला ने डोना और एंजी से ये बात पूछी कि क्या वो उनके घर में उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी एक नर्स थी, लोगों को बचाना उनका काम था। एनाबेला की सच्चाई जान के भी उन्हें दुख हुआ, इसीलिए दोनों मान गई एनाबेला को अपने साथ अपने घर में रखने के लिए। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था जिसका नाम था लू। वो उन्हीं के साथ उनके दूसरे कमरे में रहता था। उसे एनाबेला डॉल पहले से पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने डोना और एंजी को समझाया कि ये डॉल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन डोना को उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लगी। उसने कहा था कि डॉल में सिर्फ 7 साल की लड़की की आत्मा है, जो अब किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वो प्यार चाहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात बहुत ही जल्द झूठ होगी। एक दिन लू अपने कमरे में सो रहा था, तब अचानक से उसका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। उसने नीचे देखा तो एनाबेला डॉल को देखा, जो उसके तरफ ही आ रही थी। लू कोशिश तो कर रहा था कुछ करने की, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। एनाबेला उसके पास आकर उसे घूरने लगी और तभी लू बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लू उठा तो उसने पाया कि एनाबेला अपने कमरे में ही थी। लू ये जानकर हैरान हो गया। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि उसके साथ रात में जो घटना हुई है, दरअसल वो सच है या फिर उसे कोई सपना आया था। अगले दिन अपार्टमेंट में लू और एंजी अकेले थे। उनको डोना के रूम से जोर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ के उसके कमरे के पास गया, पर रूम में कोई नहीं था, बस उस डॉल के सिवा।
उसने अनुभव किया कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही वो पीछे घूमा, उसके छाती पे अचानक से दर्द होने लगा। जब लू ने देखा तो छाती की ही जगह पे उसे सात निशान दिखाई दिए और वहाँ से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। ऐसी ही अजीब सी चीज़ें होने लगी। डोना और एंजी को लगा कि ऐसे एक 7 साल की लड़की कभी कर ही नहीं सकती। डोना और एंजी को एनाबेला पे शक होने लगा। दोनों ने एक क्रिस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर कुक। फादर कुक को बुलाने के बाद फादर कुक को जो बात उन्होंने बताई वो बात जाके फादर कुक ने एड और लॉरेन वॉरेन को बताई। एड और लॉरेन वॉरेन जाके डोना एंजी और लुओ से बात करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि एनाबेला सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो लड़की होने का नाटक कर रहा है और वो डोना एंजी और लू के शरीर में कब्जा करना चाहता था। डोना ने उस डोल को एड और लॉरेन वॉरेन को दे दिया। जब डोल को लेकर दोनों घर जाने लगे तो रास्ते में उनकी कार का स्टेयरिंग और ब्रेक दोनों अपने आप ही बंद होने लगा। कार का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। तभी वॉरेन ने एनाबेला के ऊपर होली वाटर डाल दिया और उसे शांत कर दिया। अपने घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन वो एनाबेला को एक बड़े क्रिस्ट फादर जेसन ब्रेडफोर्ड के पास लेके गए। फादर जेसन ने उस डोल को उठा के ये कहा कि तू सिर्फ एक डोल है, तू किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर एड और वॉरेन को एनाबेला को सौंप दिया और घर जाके कॉल करने को कहा, क्योंकि उनको ये लगता था कि उन्होंने एनाबेला को तू किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, तू सिर्फ एक डोल है कह के गुस्सा दिला दिया था। फिर एड ने कॉल करके बताया कि वो मरते मरते बचा है। आखिरकार एड और वॉरेन ने यह तय किया कि एनाबेला के लिए एक लकड़ी का बक्सा बनाया जिसमें एनाबेला को रख दिया और आज भी एनाबेला उस बक्से में है। उसे ओगोल्ग म्यूजियम में रखा गया जहाँ पे वो आज भी मौजूद है। और ऐसा नहीं था कि एनाबेला उसके बाद चोट नहीं पहुँचाती थी। एक दिन की बात है, एक विजिटर ने एड के सामने उस डोल का मजाक उड़ाया और उसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के वापस जाने लगा और उसकी मौत हो गई, पर लड़की को बचा लिया गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तब उसने बताया कि वो लड़का एनाबेला का मजाक उड़ाते हुए ही बाइक चला रहा था, अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो बाइक पेड़ से जाके टकरा गई। उसके बाद उस लड़के की मौत हो गई। आज भी एनाबेला उसी ओकल्ट म्यूजियम में पाई जाएगी। क्या आप उसे नज़दीक से देखना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना एनाबेला तुम्हारे घर आके कहेगी सब्सक्राइब कर दो ना यार।